एक चीज लेकिन है गाइस, जब आप मतलब कॉलेजेस जब छुट्टी होते हैं, कॉलेज से जब आप घर आते हो वापस, तब बड़ा मजा आता है। पर जब आप मतलब कॉलेजेस फिर से रीओपन होते हैं और आपको बैग पैक करना होता है, तब वो मोमेंट है ना गाइस, बहुत पेनफुल मोमेंट होता है। सो आप कमेंट्स में बताओ कि आपको ऐसा फील हुआ है कि नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना पड़ेगा। और लंच में है आज राइस, चिकन, दाल। और मैं अभी पहुंच चुका हूँ नवरंगपुर और बस ने मतलब थोड़ा सा ब्रेक लिया था। सो गाइस मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ जयपुर। सो गाइस मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ रूम। आज रात मच्छर से ही मर जाने होगा। उधर रमेश छुप जा रहा है। एक चीज दिखाना चाहूंगा, ये मेरा फोन देखो, फोन में भी फंगी हो चुका है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, इट्स मी हरीश सूर्या एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सारे, कमेंट सेक्शन में बताओ। आज है संडे और सुबह के बज चुके हैं 9 और मॉर्निंग व्यू कुछ ऐसा है, सनराइज भी हो चुका है और आज तो कोई बारिश वारिश का कोई टेंशन नहीं है। दो दिन थोड़ा क्लाउडी क्लाउडी क्लाइमेट था, सो आज पूरा क्लियर है, लेट्स गो। और आज मैं जा रहा हूँ जयपुर अपना बैचलर लाइफ फिर से कंटिन्यू करने। जैसे कि आप सभी को पता है कि स्कूल कॉलेजेस फिर से खुल चुके हैं और यहाँ उड़ीसा में तो मतलब 7 तारीख से ही खुल चुका है, पर मैं आज जा रहा हूँ क्योंकि मतलब मेरा कैसा है ना गाइस, मुझे अकेला रहने में अच्छा नहीं लगता। मतलब रमेश विक्रम लोग का कुछ काम था सो वो आज नहीं कर रहे, सो मैं भी आज ही निकल रहा हूँ, आज 20 तारीख। और मुझे पता नहीं कि ये वीडियो कब तक अपलोड होगा, होप सो जल्दी अपलोड हो जाए। और मैंने अभी तक नहाया भी नहीं है, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, सोचा थोड़ा इंट्रो ले लूँ। सबसे पहले तो हम जाते हैं नीचे, नीचे पहले बैग फैग सजाते हैं और देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। सो लेट्स गो। ओके सो गाइस मैं नीचे पहुंच चुका हूँ और मैंने कुछ कपड़ा निकाल लिया है और कुछ अंदर से निकालना है और बैग फैग भी रेडी है। सो हम पहले सजाते हैं, सजाने के बाद नेक्स्ट क्या करेंगे वो हम डिसाइड करते हैं। सो पहले सजाते हैं। कपड़ा तो वैसे बहुत है और कंबल वम्बल का वो दूसरा पैक है, सो हम पहले सजाते हैं। और वहाँ पर मेरा हेडफोन चार्ज हो रहा है, सो पहले सजाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। सबको डालते हैं, ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या डालूं और मतलब कौन सा कहाँ पे डालूं। अभी देखते हैं, फटाफट डालते हैं और पैक पैक करते हैं। एक चीज लेकिन है गाइस, जब आप मतलब कॉलेजेस जब छुट्टी होते हैं, कॉलेज से जब आप घर आते हो वापस, तब बड़ा मजा आता है। पर जब आप मतलब कॉलेजेस फिर से रीओपन होते हैं और आपको बैग पैक करना होता है, तब वो मोमेंट है ना गाइस, बहुत पेनफुल मोमेंट होता है। सो आप कमेंट्स में बताओ कि आपको ऐसा फील हुआ है कि नहीं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइस मैंने अपना बैग पैक कर लिया है और ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। ये 3 बैग जाने वाला है, 1, 2 और वो 3, 3 बैग जाएगा। अभी तो हम सबसे पहले नहाते हैं, नहाने के बाद हम लंच करेंगे क्योंकि 2 बजे का बस है, तो हमको लंच करके ही निकलना पड़ेगा। सो हम पहले नहाएंगे फिर लंच करेंगे, फिर उतना ज़्यादा कुछ तो दिखाने को नहीं है, सो मैं सीधा मिलूँगा आपको लंच करने के बाद। सो हम लंच करने के बाद मिलते हैं। ओके सो गाइस अभी मैं लंच करने बैठ चुका हूँ और लंच में है आज राइस, चिकन, दाल। टाइम हो रहा है अभी 1:30 होने को है, सो हम जल्दी खाते हैं और निकलते हैं। सो मैं आपको मिलता हूँ गाड़ी में। ओके सो गाइस मैं अभी बस में बैठा हूँ, देख सकते हो बस में बैठा हूँ और अभी तो मतलब बस में बोर लगने वाला है क्योंकि मतलब ज़्यादा बस में क्या है, बस बैठ के बस बाहर ही देखना है और कुछ नहीं है। और मैं ट्राई करूँगा कुछ अच्छा अच्छा सिनेमेटिक्स डालने के लिए, आपको भी मतलब अच्छा लगे और देखने वालों को भी अच्छा लगे। देखने वाले तो आप ही हो सो आपको अच्छा लगे, मैं अभी कुछ सिनेमेटिक्स डालता हूँ तो वो देखो।
गाइस मैं फाइनली पहुंच चुका हूं जयपुर और अभी बस स्टैंड में हूं फिलहाल, देख सकते हो। मतलब कुछ समय पहले ही रमेश और विक्रम को कॉल किया था पर उन लोग अभी तक पहुंचे नहीं है, तो अभी हमको ऑटो लेके ही जाने पड़ेगा। पैदल मैं जा सकता था पर मतलब बैग दो है और एक मैंने पहना है, तो पैदल जाना पॉसिबल नहीं है। सो हम ऑटो लेके जा रहे हैं। सो गाइस मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ रूम और कंडीशन तो बहुत गंदा है। विक्रम उधर रमेश छुप जा रहा है। रूम का कंडीशन तो मतलब पूरा बहुत खराब है, कचरा हो चुका है। ये हम तीनों का गद्दी और मेरा पिलो का तो हाल बेहाल हो चुका है, सामान सब सजाना है। विक्रम कुछ बोलना, तेरे को बहुत मिस कर रहे थे। रमेश किचन देखते हैं पहले। किचन तो साफ है क्योंकि हम साफ करके गए थे, सब सजा के गए थे। एक चीज दिखाना चाहूंगा, ये मेरा फोन देखो, फोन में भी फंगी हो चुका है। ये फोन मैं छोड़ के गया था। ये फोन मतलब ये फोन सिर्फ मैं गाना सुनने के लिए यूज करता हूँ। बाथरूम तो ठीक ठाक ही है, इसको मतलब अच्छे से सजाना पड़ेगा। अगर नहीं सजाएंगे ना गाइस तो मतलब आज रात मच्छर से ही मर जाने होगा। सो अभी ये दोनों निकाल चुके अपना औजार। अभी हम ब्लॉग को भी एंड कर देते हैं। सो अगर आपने यहाँ तक ब्लॉग देखा है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी आएगा, जैसे कि मैं अभी रेगुलर थोड़ा वीडियो डाल रहा हूँ, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए क्या बोलेगा रमेश, कुछ बोलेगा? लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। करो गाइस, करो, सिर्फ करो। आप सब्सक्राइब करो, हम वीडियो बनाएंगे, आपको एंटरटेन करेंगे। सो आप सब्सक्राइब करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल देन, कीप लविंग एंड सपोर्टिंग। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।